आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर इंडिया मार्ट के बारे में। दोस्तों इसमें अभी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट कैसे रह सकता है इंडिया मार्ट का, उसके बारे में बताना चाहूँगा। और आज का जो लेटेस्ट अपडेट है स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसे रहा, उसके बारे में देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे इंडिया मार्ट की बात करें दोस्तों, तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ने बहुत ही ज़्यादा करेक्शन दिखाया था और स्टॉक 20% के भी नीचे जाते हुए देखने मिला था। और आज देखें क्या गजब की और अच्छी खासी तेज़ी दोस्तों, 3% की तेज़ी देखने को मिली। 200 यहाँ पर 3 रुपये पर स्टॉक आकर रुका है। अभी यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा ये जो तेज़ी रहेगी दोस्तों, ये रिकवरी वाली है। और आपको बताना चाहूँगा रिकवरी करने के लिए स्टॉक बिल्कुल ही तैयार है। यहाँ पर हम जैसे वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम के मामले में देखेंगे तो इंडिया मार्ट में दोस्तों दोनों तरीके से वॉल्यूम देखने को मिलता है। एक तो यहाँ पर बाइंग भी और साथ साथ सेलिंग भी हो रही है। अब यहाँ पर मैं आपको वॉल्यूम का परसेंटेज बार बार इसलिए रिपीट करते रहता हूँ और ये दिखाते रहता हूँ दोस्तों कि जो तेज़ी बनती है उसके पीछे वैल्यू मैटर करता है। आज जैसे तेज़ी देखने को मिली है उसका इम्पैक्ट दोस्तों कल भी आपको देखने को मिल सकता है वॉल्यूम देखकर। अब देखिए यहाँ पर आपको 32% का वॉल्यूम दोस्तों, ये 32% बता देते कि अभी भी मार्केट में इंडिया मार्ट दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये प्रेशर में नज़र आता है। क्यों? क्योंकि जब तक ये 50% के करीब की तेज़ी नहीं बनती, बोलते यहाँ पर वॉल्यूम नहीं बनता, तब तक वो अप ट्रेंड नहीं प्रेजेंट कर सकता। क्योंकि उसमें देखिए अभी भी जितनी क्वांटिटी की तेज़ी होनी चाहिए वो हमें प्रेजेंट नहीं हो रही दोस्तों इंडिया मार्ट में। और सेलिंग भी इसमें अभी भी हो रही, जैसे स्टॉक इंप्रूव कर रहा है वैसे ही यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। आप जरूर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टॉक ने जैसे हमें अच्छी खासी तेज़ी दिखा रही दोस्तों। और देखिए टॉप लेवल पर कैसे स्टॉक जाकर बैठा था, तो आपको बताना चाहूँगा पूरी तरीके से इस लेवल पर देखिए, ये लेवल पर गया था तब देखिए प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे और स्टॉक यहाँ पर आया। ये चीज़ें होती रहती है और आपको ये बताने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसा पैनिक नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई स्टॉक अभी तेज़ी में है तो यहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। थोड़ी है आप यहाँ पर इस कंपनी को समझिए और अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि हाँ कंपनी में क्वालिटी है तो हम कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। और इसके कैंडलस्टिक के हिसाब से बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा देखिए जो इतना गिरावट के बाद में देखिए कंटिन्यू जो गिरावट दिखाई स्टॉक ने, पिछले मैं आपको 6 महीने का चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ, इसमें आपको देखने मिलेगा देखिए पूरी तरीके से गिरावट, फिर तेज़ी, गिरावट ही तेज़ी, ये गिरावट दोस्तों ये फिर तेज़ी और देखिए गिरावट और कंटिन्यू और ये तेज़ी दोस्तों, ये ज़रूर देखिए बाद में से और गिरावट, ये तेज़ी और देखिए अभी ये गिरावट और दोस्तों ये बन रही और तेज़ी। ये चीज़ें देखिए थोड़ा आप यहाँ पर वी शेप में, और आपको बताना चाहूँगा डब्ल्यू शेप में अभी रिकवरी है। इस बार की कैसी रिकवरी है तो डब्ल्यू शेप में देख सकते हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला, या ऐसा आपको रिकवरी स्टॉक दिखाएगा। और मुझे होप है दोस्तों ये जल्दी आपको यहाँ पर मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। और जो वॉल्यूम की क्वांटिटी दोस्तों इसमें जैसे बढ़ेगी वैसे स्टॉक परफॉर्म करेगा। इस बार देखिए खाली 6184 क्वांटिटी, बोलते इतने ही शेयर खरीदे गए, बोलते पूरे मार्केट में वॉल्यूम ना के बराबर है दोस्तों, कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। इसलिए आप ज़रूर यहाँ पर कंटिन्यू करने की कोशिश करना। और मैं आपको बार बार कहूँगा कि इंडिया मार्ट वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है आपके लिए। और साथ साथ यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की बात करें, जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, ब्रोकरेज फर्म से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इनके तरफ से भी इंडिया मार्ट के बारे में कुछ चीज़ें कही गई है। जैसे इसके रिजल्ट लगे थे तब भी उन्होंने बताया था दोस्तों कि 9,320 रुपये का टारगेट रहेगा इंडिया मार्ट का और ये अचीव जरूर करेगा, और इसमें कोई शक नहीं। सभी चीज़ें उन्होंने बताई भी थी कि कंपनी कैसे चल रही है, कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप बनी और मिड कैप से अभी लार्ज कैप बनने की पूरी तैयारी में नज़र आती है। और उसका बिजनेस भी अभी बताना चाहूँगा पिछली बार से भी बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से ग्रो करा है। जैसे मैंने आपको कहा मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, पीपी किट्स, ये सभी के सभी जो कोविड-19 का जो बिजनेस चल रहा है उसमें इंडिया मार्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से वेटेज रख रहा है और कमाई भी दबाकर करते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको ये सभी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ। और इसके नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा ये 8,000 का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए, उसके बाद में भी करेक्शन देखने को मिले तो पैनिक नहीं होना चाहिए। एक लिमिटेड रेंज में स्टॉक परफॉर्म करते रहेगा कुछ दिन और बाद में आपको इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। क्या होता है प्रॉफिट बुकिंग बाद में इसे थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेटेड एक ऐसे लिमिटेड रेंज में जाता है स्टॉक और बाद में से तेज़ी में देखने को मिलती है। तो आई होप मुझे लगता है कि आप सभी चीज़ें समझ रहे होंगे। और दोस्तों यही बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर कमेंट आए थे कि सर अभी इसमें तेज़ी है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करें क्या, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप यहाँ पर ये समझ चुके होंगे कि मैं आपको बार बार प्रॉफिट बुकिंग इसलिए नहीं करने के लिए कहता हूँ क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर लॉस में बेचने के लिए तैयार थे। तो मुझे लगता है कि आप लॉस में कभी नहीं बेचना चाहिए और अपने पैसे कभी भी स्टॉक मार्केट में खोने नहीं चाहिए। कैपिटल जो होता है वो सेफ रहना ही चाहिए और ये आप बार बार अंडरस्टैंडिंग कर ही चलना, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बढ़िया तरीके से कंटिन्यू करते रहना। थैंक यू सो मच।